ये लगी रही है यहाँ पे, देखिए धान की खेती हो रही है। मैं मिलवाता हूँ आपको, ये दादी हैं हमारे। दादी ये क्या प्रोग्राम चला हुआ है सूखे में ही? अच्छा अच्छा, तो अकेले ही भेजा हुआ घर वालों ने, और उन्हें क्या छुट्टी की हुई है? तो ऐसा होता है कि जो फैमिली के मेंबर हैं सभी मैनेज करते हैं हर एक चीज़ को। तो यहाँ पे दादी जैसे धान लगा रहे हैं, तो और जो फैमिली मेंबर हैं वो खाना वगैरह बना रहे होंगे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये लग रहे हैं धान। तो सारा गांव आजकल ऐसे ही बिजी चला हुआ है इस तरह के कामों में। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा कैमरा दिखाऊं आप लोगों को, तो ये देखिए आधे वहाँ पे लगे हुए हैं, कर रहे हैं सभी अपने अपने खेतों का काम। धान की खेती चली हुई है जोरों शोरों से, हमें चढ़ावे के लिए नाग देवता के लिए चढ़ेगा ये, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे। बाकी ये भी यहाँ पर मंदिर है। हाँ, चढ़े चूड़े भी थे ना। ओ बिल्कुल बिल्कुल, चिंता नहीं करो आप, बारिश ही बारिश है आज। हाँ, हमारे प्रीवियस दो तीन ब्लॉग पहले मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि आप लोगों के साथ मैंगो के पिकल को बनाने की पूरी पूरी रेसिपी हम शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हम कच्चे मैंगो को लेकर आ गए थे आम के पेड़ से, और अभी पापा काट रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो आम की गुठली होती है वो थोड़ा सा कड़वी होती है, उसको आपने निकाल देना है। उसके बाद इन छोटे छोटे पीसेस को आपने नमक के पानी के साथ धोना है, और नमक डाल के सूखने के लिए एक या दो दिन के लिए छोड़ देना है, जब इनका कलर कुछ इस तरह से होने लगेगा। देखिए ब्राउन हो गया ये ग्रीन कलर। यहाँ से शुरू होती है अचार डालने की मेन प्रोसेस स्टार्ट। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पी मार्क का मस्टर्ड ऑयल का, और तेल को हमने डाल दिया था कढ़ाई में गर्म करने के लिए। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद डालेंगे अचार को बनाने के मसाले। तो आप किसी भी किराना शॉप में इजीली ये भी बोल सकते हो कि हमने अचार डालना है, तो आप लोगों को अचार डालने के पूरे पूरे मसाले भी दे देंगे। तो जब मसाले अच्छी तरह से मतलब इसमें तेल में पक जाएंगे, तो उसके बाद जो ये पीसेस हैं जो सुखाने के लिए डाले हुए थे हमने दो दिनों से, तो उन पीसेस को हम डाल देंगे, और फिर अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। तो आप ये मत सोचिए कि ऑयल बहुत ज़्यादा लग रहा है आप लोगों को, तो ये ऑयल ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को जब रेडी हो जाएगा हमारा अचार। तेल के बीच में आम के पीसेस जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे मसाले के साथ, तो कुछ आपका अचार बन के इस तरह से तैयार होगा। तो फाइनली ये बन गया है हमारा मैंगो पिकल, और देखने में भी कितना लजीज लग रहा है, और सच्ची में बना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी कुछ इस तरह से ट्राई कर सकते हैं अपने घर के ऊपर। तो ये देखिए भाणी को भी पहुंचा दिया अब नीचे, और ये वाला काम भी रुक गया है बारिश के कारण हमारा। दानी कटना ले रही दानी। लेके जा रहा हूँ उपले, और पानी की बोतल है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा रहता है काम करते टाइम गर्मी लग जाती है और पानी की कमी हो जाती है शरीर को, तो डिहाइड्रेशन वगैरह का खतरा रहता है। और फिर एक जो कीचड़ लगा होता है पाँव वगैरह में, उससे भी शरीर मतलब थोड़ा थोड़ा अंदर से सूखने लगता है। और ये मच्छरों को भगाने के लिए उपले। बाकी आज हमारे यहाँ गांव में नाग देवता के लिए सभी अपने घर से जो भी नया अनाज है वो उसका चढ़ावा देने के लिए लाए हुए। तो मैंने इसमें धूप अगरबत्ती डाली हुई है, हमारे गेहूं का आटा डाला हुआ है, मक्की का भी आटा है, और मैच बॉक्स डाली हुई है। तो ये किए हुए हैं तैयार खेत धान लगाने के लिए, और चारों तरफ अगर कैमरा घुमाऊं तो सारे के सारे बिजी हैं देखिए धान लगाने में।
ये देख सकते हैं नीचे भी धान लग रहे हैं, यहाँ पर भी धान, ऊपर गांव में भी था है, मैंने मंदिर के पास भी लगे हुए हैं लोग जोरों शोरों से। तो ये सारे के सारे खेत हमने घोल लिए हैं, अब इनमें धान लगाएंगे, बहुत सारा काम है आज करने के लिए। बाकी जैसे आप लोगों को बताया था कि नाशपाती बहुत ज़्यादा होती है, तो ये देखिए बेकदरी नाशपाती की इतनी ज़्यादा हो गई है इस पेड़ के ऊपर कि खुद ब खुद नीचे टूट के गिर रही है नाशपाती। वैसे अभी तक जितनी बार भी मैंने आप लोगों को अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वगैरह बताई हुई है, तो आप लोगों को यही मैसेज गया होगा आपके दिमाग में कि बहुत ज़्यादा हार्ड काम है भाई, ऐसा काम कौन करे। तो देखिए भाई, काम तो करना ही पड़ता है, अगर किसान इस तरह से अनाज वगैरह ना बीजे तो कैसे आप लोगों तक आटा पहुँचेगा, चावल पहुँचेगा, दालें पहुँचेगी, तो करना पड़ता है। बाकी मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है, आप लोगों को मैंने दिखाया गाँव के और लोग भी काम कर रहे हैं इसी तरह से धान लगाने का, और हम गाना वगैरह भी गाते हैं बीच बीच में और फनी एक्टिविटीज़ वगैरह भी करते हैं। तो इस तरह से काम करते करते काम भी ईजी बन जाता है और साथ के साथ इंजॉयमेंट भी हो जाता है। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को आज इस वाले ब्लॉग के थ्रू कि अगर आप लोगों को मौका मिले इस तरह से काम करने का, धान लगाने का, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी लाइफ में। आप लोग भी एक सबसे डिफरेंट सा फील करेंगे अपनी लाइफ में, और आप लोगों को भी ज़रूर इन्जॉयमेंट होगा, मज़ा आएगा, और कीचड़ के साथ खेलने का और भी बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। आप लोग तभी महसूस करेंगे जब आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को ट्राई करेंगे। बाकी जिस तरह से हम आप लोगों को अपनी कड़ी मेहनत दिखा रहे हैं और ब्लॉग में भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों से एज ए यूट्यूबर क्रिएटर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, हमारा टारगेट है कि 2023 में मैं सोच रहा हूं सिल्वर प्ले बटन अपनी पीटर अनिवानी के हाथ में थमाऊँ, तो वो आ सकता है आप सभी लोगों की बदौलत। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल को, तो हम आप लोगों के लिए आगे यूं ही अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स लाते रहेंगे और डेली मतलब आप लोगों को कुछ ना कुछ नया अपडेट देते रहेंगे। तो यहाँ पर धान लगाते लगाते हमें पता ही नहीं चला कब हम 5:30 बजे के आए हुए हैं इस तरह से काम कर रहे हैं और कब दिन के 2:30 बज रहे हैं। तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इसके बाद हमने ली थोड़ा सा आधे घंटे के लिए लंच ब्रेक और अब जा रहे हैं हम अपने गाँव वाले घर में, वहीं पर ही खाना वगैरह बनाकर ले आए थे हम ऊपर से, और बाड़ी का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी देर जाकर आ जाएँ। बच्चा बानू क्या करना है? बापू को दिया। हाँ जी खाओ खाओ खा लो। हाँ जी खाना खा लो पहले आप। ठीक है मैं
इंस्पेक्टर मैं ना सोचे ना दूँ दूँ नहीं दूँ नहीं दूँ भाई ना तो मेरे पास ये क्या नहीं दूँ तो सीधी मैं आप ही सीधी कर दूँ क्या देंगे ये कपूर कपूर ये क्यों नहीं दूँ नहीं तो ये था हमारा एक सिंपल सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को जरूर यह पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी कोई भी सुजेशन हो आप लोगों के लिए चैनल के रिगार्डिंग तो वो भी आप लोग अपनी सुजेशन हमें जरूर रखिएगा। और जिस तरह से आप लोगों को अपने गांव का मैंने एक सुंदर सा व्यू भी दिखाया और हम किस तरह से खेती बाड़ी कर रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं था इस वाले ब्लॉग में, बाकी बस सिंपल यही था क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं और आई होप आप लोग भी अंडरस्टैंड करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि अब डेली बेसिस बहुत ज़्यादा बारिश भी आ रही है। और जो मैंने अपडेट किया हुआ था कि हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक ही धर्मपुर में एक जगह है सिपद्वाला, वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात आ गए थे, तो उसके भी मैंने कुछ क्लिप आप लोगों के लिए कैप्चर किए हुए हैं, शेयर करूँगा आने वाले फ्यूचर ब्लॉग में। मिलते हैं नए ब्लॉग।